जैसे कि आप सब जानते हैं, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का पहला टेस्ट मैच बड़ा ही शानदार किस्म से जो है टीम इंडिया ने हराया बांग्लादेश को। वाकई में तारीफ करनी पड़ेगी एक दफा फिर मयंक अग्रवाल की, जिन्होंने एक ऐसा प्लेयर जो कि डोमेस्टिक लेवल से रन के अंबार लगाता हुआ आया, काफी देर के बाद जो है टीम इंडिया के अंदर में मौका मिला। और अगर जब मौका मिला तो भाई कमाल की प्रदर्शन उन्होंने दिखाई है, और इस चीज से उन्होंने साबित किया है कि टीम इंडिया के अंदर में उनकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। उनके आने से विराट कोहली के ऊपर भी प्रेशर कम हो गया है। विराट कोहली अगर जीरो पे भी आउट हो जाए तो टीम को अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मास्टर माइंड तो विराट कोहली ही है, कैप्टनसी वही कर रहे हैं, टीम को वही चला रहे हैं, नए यंगस्टर को वो चला रहे हैं। रोहित शर्मा के ऊपर में थोड़ा सा जो है प्रेशर रहेगा कि उनकी जो पिछले मैच की परफॉर्मेंस थी, और इस मैच के अंदर में हो सकता है रोहित शर्मा सेंचुरी लगा दे, तो बहुत जो है सोचता है कि रोहित शर्मा जो है इस जो सेकंड टेस्ट मैच में जो होगा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में, रोहित शर्मा का जो है उसमें सेंचुरी लगाएंगे। तो दोस्तों कंप्लीट आगे बात करते हैं, आप सबको स्क्वाड के बारे में बताएंगे बांग्लादेश के और टीम इंडिया के भी। हो सकता है टीम इंडिया में एक आध दो चेंजेस हो, तो गाइस शुरू करते हैं वीडियो को। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल के ऊपर अगर फर्स्ट टाइम आए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और टीम इंडिया के अगर आप बहुत बड़े फैन है तो गाइस इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और जो है बांग्लादेश के अगर आप फैन है तो गाइस उनके हवाले से आपने एक प्यारा सा कॉमेंट बॉक्स के अंदर में जरूर लिखना है। नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाइएगा ताकि आप स्पोर्ट्स जर्नी की लेटेस्ट वीडियोस को नोटिफिकेशन के जरिए हासिल करने में कामयाब रहे। तो गाइस बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, और सबसे पहले अगर बात करें बांग्लादेश के स्क्वाड के बारे में तो भाई तब्दीलियां तो जो है बहुत ज्यादा बनती है, चूंकि जो है बॉलर्स के जो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही है बांग्लादेश की टीम, क्योंकि इस टीम के अंदर में अब शाकिब अल हसन तो है नहीं, उसके अलावा इस टीम के अंदर में जो ओल्ड प्लेयर है वो सिर्फ और सिर्फ बॉलर्स की अगर बात कर रहा हूँ देन मुस्तफिजुर रहमान है, जो कि अच्छी बॉलिंग करते हैं और उनको जो है जरूर बांग्लादेश पिक करेगा। उसके अलावा अगर बात करें अल अमीन हुसैन, इबादत हुसैन, नईम हसन, ताजुल इस्लाम, बहुत ज्यादा प्लेयर्स को जो है बांग्लादेश ने इस सीरीज के अंदर में डेब्यू भी कराया है। उसके अलावा अगर बैटिंग के कार्ड के ऊपर भी अगर नजर डालें तो ऐसा कोई प्लेयर नजर नहीं आ रहा जो कि देर तक खड़ा रहे, सिवाय मुशफिकुर रहीम के, जो कि इनके पास में टैलेंट है, इनके पास में तजुर्बा है, बहुत ही ज्यादा बांग्लादेश के लिए ये मैचेस खेल चुके हैं, और इनके पास वाकई में कमाल की जो है इनकी बैटिंग है। छोटे से कद की ये है लेकिन अगर जब बैटिंग करने पे आते हैं तो अच्छे अच्छों की जो है हालत टाइट कर देते हैं। हो सकता है मुशफिकुर रहीम को वाकई में जो है जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और जो है बांग्लादेश की टीम भाई खेलना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा और कोई प्लेयर्स है नहीं। मेहदी हसन है जो कि बॉलिंग भी करते हैं, फिर उसके अलावा जो कैप्टन है मोमिनुल हक, उनकी खुद की परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं रही। मोहम्मदुल्ला भी इस टीम में शामिल है, वो भी कुछ खास जो है बैटिंग करने में नाकाम रहे पिछले मैच में भी। इब्रुल काइस की अगर बात करें तो इब्रुल काइस है, मुसद्दीक हुसैन है, सैफ हसन है, शादाब इस्लाम है, और उसके अलावा अगर बात करें तो भाई रिटन दास भी इस टीम में शामिल है, और विकेट कीपिंग के फराइज मोहम्मद बिटुल जो है वो अंजाम देंगे। तो गाइस ये हो गई बांग्लादेश के स्क्वाड के बारे में। उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश जो है थोड़ा बहुत टक्कर का मुकाबला करेगी ताकि मैच को देखने में मजा आए, टीम इंडिया के साथ में लड़ाई हो तो फिर मजा ही आएगा। रहाणे खेलेंगे टीम इंडिया के स्क्वाड में, मयंक अग्रवाल तो खेलेंगे, रोहित शर्मा खेलेंगे, विराट कोहली कैप्टनसी करेंगे। उसके अलावा बॉलिंग के अंदर में थोड़ी सी हो सकता है एक आध आगे पीछे हो जाए, कुलदीप यादव को हो सकता है अंदर ले आए, लेकिन कुलदीप यादव जो है टेस्ट मैच के प्लेयर है नहीं, रविचंद्रन अश्विन को और रविंद्र जडेजा को ही विराट कोहली पिक करेंगे। हो सकता है रिद्धिमान साहा जो कि रिजर्व विकेट कीपर है उनको मौका मिल जाए। तो गाइस आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मैच जो है 22 नवंबर को जो है शुरू होगा, और कंप्लीट वीडियो आप सबको जो है स्पोर्ट्स स्टडी डे बाय डे के हिसाब से अपडेट करता रहेगा। तो गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को, और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाइएगा। तो गाइस मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी सी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।